आप बाबा श्याम से जुड़े हैं, आप किस्मत वाले हैं जो आपको ये वीडियो देखने को मिला, क्योंकि बाबा श्याम खुद साक्षात प्रकट होकर आपके सामने ये सारी बातें नहीं बताएंगे जो आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनने को मिल रही है। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों आपके काफ़ी सारे प्रश्न तो आते ही रहते हैं, उनमें से एक प्रश्न जो है आज मैंने लिया है कि भगवान जो है हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं, बाबा श्याम हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं, इसके बारे में आज पूरी बात इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि भगवान श्याम हमारी परीक्षा कैसे लेते हैं और कब लेते हैं। तो देखिए श्याम भक्तों, हम बाबा श्याम को जानते नहीं थे, हम बाबा श्याम से जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं जो बाबा श्याम से पहली बार जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद बाबा श्याम को देखने के बाद उनके अंदर कुछ अलग महसूस होता है और अलग महसूस होने के बाद उनकी ज़िंदगी बदल जाती है और फिर वो अपने आप को बाबा श्याम के प्रेमी कहलाने लगते हैं कि बाबा श्याम का ही गुणगान और बाबा श्याम की भक्ति में ऐसे लीन होते हैं कि उन्हें बाबा श्याम के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। उन्हें सिर्फ ये उम्मीद होती है कि बाबा श्याम उनके ऊपर अपनी कृपा करे, उनके सारे दुख कष्ट को दूर करे और बाबा सदा उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखे। परंतु होता क्या है, इसका उल्टा होता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई भक्त बाबा श्याम से जुड़ता है तो बाबा श्याम उसकी परीक्षा लेते हैं। ऐसा हम मान सकते हैं क्योंकि हम जब बाबा श्याम से जुड़ते हैं और जब हम जुड़ते हैं तो उसके बाद बाबा श्याम हमारी परीक्षा लेते हैं, परंतु ये हम खुद से सोचते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। क्योंकि आप जब तक बाबा श्याम से नहीं जुड़े थे, जब आप दुखी थे, परेशान थे, तब भी तो आप परेशान ही थे, तब कौन आपकी परीक्षा ले रहा था उस समय? आप खुद सोच के देखिए, आप जब दुख की घड़ी में बाबा श्याम से जुड़े हैं, दरबार से जुड़े हैं और जुड़ने के बाद वही तकलीफ़ आपकी बनी हुई है, मान लीजिए थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो गया, बढ़ गई आपकी तकलीफ़, फिर आप ये कहते हैं जब से मैंने बाबा श्याम की पूजा की है मेरी तकलीफ़ अत्यधिक बढ़ गई है। अगर आपने इधर उधर की कोई फालतू वीडियो देख ली किसी की और उसमें ये लिखा हुआ है कि बाबा श्याम की तस्वीर घर लेकर आए हैं इसीलिए आपके घर में तकलीफ़ बढ़ गई है, बाबा श्याम की शीश लेकर आए हैं इसलिए आपके घर में तकलीफ़ बढ़ गई है, भले ही वो तकलीफ़ किसी और वजह से हो, परंतु जब आप ऐसी वीडियोस वगैरह को कहीं दूसरी जगह से देखते हैं तो आपका माइंड में आपको यही लगता है कि हमारे कष्टों की वजह यही है, जब से हम बाबा श्याम की मूर्ति लाए हैं, तस्वीर लाए हैं, हमारे कष्ट अत्यधिक बढ़ चुके हैं। तो इस कारण से कई भक्त जन ज़्यादातर परेशान रहते हैं और वो मैसेज करते हैं कि हमने बाबा श्याम की मूर्ति रखी है, अब हम क्या करें, इस मूर्ति को कहाँ पे स्थापित करें, जब से हम लेकर आए हमारे घर में हर रोज़ लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, कलेश होता है, हम कितनी भी कोशिश करें हम उस हिसाब से पूजा नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आप पूजा कर ही नहीं पा रहे थे तो बाबा श्याम को कैसे आप लेकर आ गए अपने घर में? ने ये नहीं सोचा कि जब मैं बाबा श्याम को लेकर आ रहा हूँ, बाबा श्याम की शीश को लेकर आ रहा हूँ तो इनकी आराधना और इनकी सेवा भी करनी पड़ती है, इनको श्रृंगार पसंद है, इनको खुशबू में रहना पसंद है और ये वही जगह रहते हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कलेश नहीं होता, तो वहाँ पर ये विराजते हैं प्रत्यक्ष रूप में। ये तो आपको पहले ही सोचना चाहिए था। तो श्याम भक्तों मैं बात कर रहा हूँ परीक्षा की। परीक्षा देखिए वही देता है जो पढ़ा लिखा होता है, जिसने बाबा श्याम के दरबार में शरण ली है उसी की परीक्षा बाबा श्याम लेते हैं। और किस प्रकार से लेते हैं वो आगे मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा किसी स्कूल में एडमिशन लेता है, स्कूल में एडमिशन लेने के बाद उसके एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं और उसमें वो पास कर जाता है अच्छे नंबरों से, फिर प्रमोट होकर बड़ी क्लास में चला जाता है। तो उसी प्रकार से आपकी परीक्षा होती है, उसको भी आकलन होता है उसका भी, उसके बाद उसको उच्च स्थान दिया जाता है। उसी प्रकार से जब आप बाबा के दरबार से जुड़ते हैं तो बाबा भी अपने भक्तों की थोड़ी बहुत परीक्षा लेते हैं कि बाबा श्याम तो हारे हुए के सहारे हैं, बाबा श्याम खुद परीक्षा दिए थे और ऐसी परीक्षा तो कोई भी दे नहीं सकता जो बाबा श्याम ने परीक्षा दी थी, अपनी शीश का दान दिया था उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को। आपसे कोई बोले कि आप अपना शीश का दान दे दो तो आप दे दोगे क्या? नहीं दोगे।
तो बाबा श्याम शीश के दानी है, उनके जैसा कोई परीक्षा दे नहीं सकता। और जब वो परीक्षा लेगा तो आपको उस परीक्षा में पास भी करना होगा। परंतु मान लीजिए आप दुखी हैं और आपके साथ उल्टा और बुरा हो जा रहा है। बुरा होने का मतलब ये है कि जैसे आप मान लीजिए आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, पैसे से रिलेटेड किसी भी तरीके की दिक्कत में पड़े हुए हैं, उसके बाद आप बाबा श्याम के दरबार से जुड़े, आपको अच्छा लगा, सब कुछ बढ़िया लगा, उसके बाद वापस से आपकी तकलीफ बनी हुई है, कुछ सुधार हो नहीं रहा बल्कि और नुकसान ज़्यादा हो रहा है, फिर आप विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो यही तो है परीक्षा की घड़ी। अगर आप उस समय अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और भगवान को हर वक्त कोसते रहते हैं कि भगवान से जब से जुड़ा हूँ मेरी तकलीफ बढ़ गई, आप किसी भी रोग से ग्रसित हैं, किसी भी तरीके के रोग आपके शरीर को घेर रखा है, आपकी वो रोग ख़त्म होने की जगह और ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है और बढ़ गई मान लीजिए, तो आप किसको दोषी दोगे? आप बाबा श्याम को दोषी दोगे, क्योंकि बाबा श्याम के दरबार से जुड़े हैं। इससे पहले आप जिसके दरबार से आप जुड़े थे तब क्या आपको तकलीफ़ नहीं थी? तब आपको क्या रोग नहीं था? उस समय तो आप नहीं कहते थे कि बाबा श्याम हमारी परीक्षा ले रहे हैं, या जिससे भी आप जुड़े थे, जिस भगवान से भी जुड़े थे, उस समय तो आप कुछ नहीं कहते थे। परंतु बाबा श्याम से जुड़ने के बाद ही आप ऐसा क्यों कहते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं? भाई भगवान से आप जुड़े हैं, जिस परिस्थिति में हैं, तो उस परिस्थिति में भगवान भी तो देखना चाहेंगे ना कि ये भक्त को अगर थोड़ा सा तकलीफ़ और ज़्यादा हो तो ये मुझ पर विश्वास करेगा या मेरा पीछा छोड़ेगा या मेरे से बोलेगा। और भगवान भी यही देखते हैं, जो भक्त मेरे से जुड़ा है ये मेरे साथ बना रहेगा या इसे थोड़ी सी तकलीफ़ पड़ने पर ये मेरा साथ छोड़ देगा। तो भगवान भी ये देखते हैं। और अगर आपने वैसा ही किया कि आपको दुख पड़ा और आप काफ़ी समय तक बाबा श्याम से जुड़े हैं परंतु वो एक साल, दो साल, तीन साल हो गया, आपका दुख कम ही नहीं हो रहा, तो आप थक हार के आप भगवान की शरण छोड़ देते हैं। किसी ने आपको बता दिया कि आप उस दरबार में चले जाओ, इस जगह चले जाओ, तो वहाँ पर चमत्कार होते हैं, भगवान के चमत्कार होते हैं। आप बाबा श्याम को छोड़ के फिर दूसरे की शरण में चले गए, दूसरे दरबार में चले गए। जिसका भला बाबा श्याम ने नहीं किया उसका भला कोई और कर ही क्या सकता है? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा श्याम को ये वरदान मिला है, जो हार कर तेरे दरबार में आएगा तो उसको अपना बनाएगा और तू ही उसका पालनकर्ता बनेगा। अगर बाबा श्याम आपको जीत ना दिला पाए तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको जीत दिला पाएगी। तो एक ऐसा दरबार है, जब बाबा अपने पास बुलाता है, अपने दरबार से जोड़ता है, तो कुछ ना कुछ सोच के ही अपने दरबार में बुलाता है। नहीं तो बाबा श्याम के लाखों भक्त हैं इस दुनिया में, परंतु सच्चा भक्त कौन है ये तो बाबा श्याम ही जानते हैं। कौन दिखावटी कर रहा है, कौन सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा है? बाबा श्याम का प्रेमी दो दिन जुड़े हुए होता नहीं है, वो अपने आप को बहुत बड़ा प्रेमी बोलता है, मैं बहुत बड़ा प्रेमी हूँ, मैं बहुत बड़ा श्याम भक्त हूँ, और तरह तरह की बातें करने लगता है। तो इस तरह से नहीं करना है, हम बाबा से जुड़े हैं, हमारा काम है बाबा की पूजा करना, बाबा की आराधना करना, ना कि अपने आप को बड़ाई करना, अपने आप को हर वक्त दिखाना कि मैं कुछ हूँ, इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। बाबा श्याम की जो सेवा होती है, वो बाबा श्याम के जो भक्त होते हैं उनकी सेवा करके ही बाबा श्याम की कृपा दृष्टि पाई जा सकती है। अगर आपके शरीर में शारीरिक प्रॉब्लम है, तकलीफ है, रुपए पैसे से परेशान है, या घर में कष्ट कलेश या दुख चल रहा है, और अगर आप भगवान से इन परिस्थितियों में भी जुड़े हुए हैं और बाबा श्याम पर आपको उस परिस्थितियों में भी भरोसा है कि आप कर्ज में डूबे हुए हैं और आपके घर में रोग कष्ट क्लेश ने घिरा हुआ है, परंतु आप एक साल से, दो साल से फिर भी बाबा श्याम से जुड़े हुए हैं, तो बाबा श्याम की असीम कृपा आपको कहीं ना कहीं ऐसे मिलती है जिसका आपको पता भी नहीं चलता है। यही बाबा श्याम के चमत्कार हैं। भगवान परीक्षा लेते हैं, परीक्षा उन्हीं की होती है जो काबिल होते हैं, और जो काबिल नहीं होते, जो किसी लायक नहीं होते, अनपढ़ होते हैं, उनकी परीक्षा नहीं होती। जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो स्कूल नहीं जाता है बच्चा, उसकी क्या परीक्षा कभी होती है? नहीं होती है ना, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, उस काबिल नहीं है, तो वो परीक्षा क्या देगा? तो इसी प्रकार से जो एडमिशन लेता है स्कूल में, पढ़ता है पूरा साल पढ़ता है, उसके बाद उसकी एक बार परीक्षा होती है,
उसी प्रकार से बाबा श्याम के दरबार में जब आप आते हैं तो आप यही सोचने लग जाते हैं कि आज जुड़ा हूँ और कल मुझे रिजल्ट मिल जाए इसका। तो ये सोच के आप सोचते हैं तो आप मतलबी इंसान हैं, तो आपकी बाबा श्याम कभी भी पूरा नहीं करेंगे। आप ये सोच के बैठ जाइए, क्योंकि आपने शुरू में ही आप बाबा श्याम तो सब जानते हैं, सब देखते हैं कि आप कैसे इंसान हैं, आपकी सोच कैसी है, वो तो बाबा श्याम को सब पता है। परंतु बाबा श्याम को अगर आप ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो वो बाबा श्याम को सब पता है कि आप किस टाइप के हैं, क्योंकि बाबा श्याम ने ही निर्णय किया था युद्ध का। ये ध्यान रखिएगा, जो महाभारत का युद्ध हुआ था तो सारे पांडव बोल रहे थे कि भाई मैंने युद्ध जिताया, मैंने युद्ध जिताया। तो बाबा श्री कृष्ण भगवान उन्हीं के पास लेकर गए थे, वीर बरवरी के पास, और उन्होंने फैसला किया था कि युद्ध भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने जिताया है, भगवान श्री कृष्ण ने जिताया है। वो उन्होंने न्याय का साथ दिया था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी 16 कलाओं में पूजे जाने का वरदान दिया था, जिसके कारण से वो आज खाटू धाम में विराजते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। तो वो न्याय के साथ हैं, जो सही है उसी का साथ देते हैं, ऐसा नहीं हारे के सहारे हैं। तो आप कुछ भी गलत काम करके आएंगे तो आपको जीत दिलाएंगे, तो जीत दिलाने के कारण आपके जो कर्मों का जो भोग है वो कौन भोगेगा? तो जो तकलीफ है, जो कष्ट है, जितना आपके कर्म और भाग में लिखा हुआ है, जिसके कारण से आप परेशान हैं, इसी के कारण से आप परेशान हैं। और जब बाबा श्याम के दरबार से जब आप जुड़ जाते हैं, तो जुड़ने के बाद बाबा श्याम उनको सहने की ताकत देते हैं। जो आपके जो पहले पूर्व में किए हुए आपके द्वारा जो कर्म हैं, जो आपने किए हैं पूर्ण जन्म में या इसी जन्म में, जो आपने कर्म किए हैं जिसके वजह से आप तकलीफ में हैं, जिसके वजह से आपके पास रुपए पैसा नहीं है, धन की कमी है, जिसके वजह से आप परेशान रहते हैं हर वक्त, आपका बेटा आपको नहीं पूछता है, आपके घर में हमेशा दिक्कत बनी रहती है, इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स बनी हुई है, तो ये सिर्फ कर्मों की सजा होती है जो हमें मिलती है। इसमें बाबा श्याम का कोई वो नहीं है कि बाबा श्याम ने आपको दंड दिया है या बाबा श्याम परीक्षा ले रहे हैं। अरे बाबा श्याम ने तो आपका दुख कम किया है, आप बाबा श्याम से जुड़े हैं, आप किस्मत वाले हैं जो आपको ये वीडियो देखने को मिला, क्योंकि बाबा श्याम खुद साक्षात प्रकट होकर आपके सामने ये सारी बातें नहीं बताएंगे जो आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनने को मिल रही है। तो ये बाबा श्याम का चमत्कार है कि बाबा श्याम आपको इस काबिल समझे हैं कि आपके समक्ष इस वीडियो को आपके समक्ष लेकर आए हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हो। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ कि इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो मैं बड़ा ही हूँ, मैं तो अदना भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ बाबा श्याम की बातों को कहता हूँ आपसे। बाबा श्याम जो मुझसे बुलवा रहे हैं वो आपके समक्ष रख रहा हूँ। बाबा श्याम के जो ऐसे भक्त हैं, परेशान हैं, जो लिखते रहते हैं बाबा श्याम नौकरी दिलवा दो, बाबा श्याम जॉब दिलवा दो, बाबा श्याम मैं परेशान हूँ, बाबा श्याम ऐसा है, बाबा श्याम मैं वैसा हूँ, इतनी सारी तकलीफ़ें में हैं आप लोग, उसके बाद बाबा श्याम को ये अर्जी लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं, परंतु आप अपने आप क्या कर रहे हैं, क्या रास्ता निकाल रहे हैं उन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, ये भी तो सोचिए। बाबा श्याम सिर्फ आपको रास्ता दिखाते हैं कि आपको ये करना है, भगवान किस रूप में कहाँ पर किससे प्रकट हो जाएंगे ये आपको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए भगवान को बस ध्यान रखिए, बाबा श्याम से क्षमा याचना करिए कि हे बाबा श्याम, मुझसे कोई भी भूल हो गई तो हमें क्षमा करें, आप हमें इस परीक्षा की घड़ी में सफल बनाना, आप हमारे साथ सदा रहना, और बाबा श्याम हर तकलीफ में आपके साथ रहेंगे, आपके ऊपर अपना हाथ रखेंगे, क्योंकि जब भी आप तकलीफ में होंगे और बाबा श्याम को पुकारेंगे तो बाबा श्याम आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम कर देंगे जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इन बातों को विशेषकर ध्यान रखें, बाबा श्याम परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा दे, और अगर परीक्षा बाबा श्याम के देने में ऐसा नहीं है कि एक साल में हो जाएगी, दो साल में, ये टाइम का उम्मीद मत रखें कि ये परीक्षा कब ख़त्म होगी, बस अपने आप को संभालने की ताकत आपके पास होनी चाहिए। अगर अपने आप को आपने संभाल लिया, भले अब हमारी जान चली जाए, परंतु बाबा श्याम की परीक्षा में हमें पास होना है, बाबा श्याम की हम आराधना करते रहेंगे, बाबा श्याम का ध्यान करते रहेंगे, ऐसी मंगल की कामना के साथ, हमेशा सकारात्मक सोच के साथ भगवान की आपको पूजा करती रहनी चाहिए, बाबा श्याम की पूजा करते रहना चाहिए, तो बाबा श्याम आपकी ज़िंदगी को संवार देते हैं, बाबा श्याम आपकी ज़िंदगी को बना देते हैं।
तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को मंगल करता हूँ। बाबा श्याम की बातें सुनने के लिए, बाबा श्याम से जुड़े रहने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। आप सभी पर बाबा श्याम की कृपा बनी रहे और बाबा श्याम की परीक्षा को पास ज़रूर करिए। बाबा श्याम की जो भी परीक्षा ले रहे हैं उनमें आप अव्वल लाने की कोशिश करिए। बाबा श्याम आपको देखेंगे कि खुद ब खुद शीर्ष स्थान पर आपको बिठा देंगे। जय श्री श्याम।